हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमने सेट्स के अंदर रोस्टर फॉर्म के बारे में किया था, आज हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। तो देखो, कल आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो हमें इस टाइप से स्टेटमेंट में गिवन थे कि एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 3 एंड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस टाइप से आपने किए थे ना कल क्वेश्चंस। तो जब इसको फिर हमने कैसे राइट किया, एक्स 3 से छोटा और नेचुरल नंबर तो 1 2 सिर्फ यही होंगे, इसे हमने क्या बोला था, रोस्टर फॉर्म, यही बोला था। तो जब एलिमेंट्स में राइट करना हो तो रोस्टर फॉर्म, और जब स्टेटमेंट में राइट करना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म, कोटेड। अब ये स्टेटमेंट के अंदर है तो ये कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज हम इसी के बारे में करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी, जब स्टेटमेंट में गिवन हो तो सेट बिल्डर फॉर्म, और जब एलिमेंट्स में गिवन हो तो रोस्टर फॉर्म, कोट इट। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी फॉर्म है, एलिमेंट्स में है तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। हमें इसे किस में राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी, जिसे हम किस में लिखेंगे, स्टेटमेंट्स में, कोट इट। तो स्टेटमेंट्स में हम इसे कैसे राइट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो स्टेटमेंट में राइट करने का मतलब हो गया x आएगा, मीन्स कैसे लिखेंगे, ये सभी x की वैल्यूज ही हैं, तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज लेस देन 7, 7 से कम है ना ये, और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, कोट इट। 7 से लेस है और किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यही हुआ, कोट इट। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, 1 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 अप टू, चलते जाएगा ये। तो अब इसे हमें, ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, इसे हमें किस में राइट करना है, सेट बिल्डर में। तो देखो, इसे मैं 1 बाई 1 राइट कर सकता हूँ, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस कैसे राइट करेंगे, देखो 1 1 1 1 1, सभी में 1 चल रहा है तो 1 बाई, मतलब जनरल फॉर्म में राइट करना, फिर 1 2 3 4, जब एन टर्म्स तक जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, एन, कोट इट। तो इस टाइप से, और एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स लिए हैं, तो इस टाइप से फॉर्म में लिखना क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक और 0 3 6 9 12, इस टाइप से, तो इसमें क्या होगा, देखो सभी 3 के मल्टीपल्स है ना, 3 6 9, तो इसे क्या राइट करेंगे, 3n सच दैट n बिलोंग टू किसे, नेचुरल नंबर, कोट इट। 1 पुट करूंगा, सॉरी इंटीजर्स, एन किसे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, वो भी कौन से, पॉजिटिव इंटीजर, कोट इट, सॉरी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, या इसे ऐसे राइट कर लो कि जीरो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, ठीक है। तो इसे कैसे राइट करोगे, 3n सच दैट एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कोट इट। इस टाइप से स्टेटमेंट में भी राइट कर सकते हैं, जैसे एन की जगह पहले यहाँ 0 आया ना, तो 0 भी ले लो इसके अंदर, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, कोट इट। इस टाइप से 3 का मल्टीपल्स है 0, तो 3n, n को 0 1 2 3 4 इस टाइप से ले तो ये वैल्यूज आती जाएगी, कोट इट। तो इस टाइप से आपको लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं एम्प्टी सेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कौन सा होता है,
फाइनाइट सेट होता है जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें, मतलब इस टाइप से इसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट। फिर आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जिसके एलिमेंट्स काउंट ना कर सकें, जैसे ये 1 2 3 4 डैश 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 डैश, गॉट इट। फिर आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो बिल्कुल। और एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई। इसे क्या बोलते हैं? फाई। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से, ठीक है। एम्प्टी सेट मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर आप सोचो जीरो, तो जीरो आ गया तो वो क्या बन गया? एक सेट बन गया, गॉट इट। तो एम्प्टी सेट नहीं रहा ये, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, जीरो की बात नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं होना, बिल्कुल खाली, उसे क्या बोलेंगे? फाई, गॉट इट। नेक्स्ट, जैसे उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ क्या हो? एक ही एलिमेंट। जैसे अभी मैंने जीरो लिखा, इसमें ये जीरो एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन, ये एम्प्टी नहीं होगा, गॉट इट। ये कौन सा होगा? सिंगलटन, ठीक है। तो इस टाइप से अब देखो कुछ क्वेश्चंस। हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। सेट ऑफ ऑल, हमें एक सेट लेना है जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। क्या इवन नेचुरल नंबर कोई 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये खाली रहेगा, तो ये कौन सा सेट बन जाएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स 5। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस एम्प्टी सेट 5 से डिनोट करते हैं, तो सिर्फ 5 लिखना है हमें, इसके बाहर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगानी। अगर ये कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, गॉट इट। तो इसलिए हमें सिर्फ इसे क्या रखना है? 5 रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो ये क्या हो गया फिर? एम्प्टी सेट नहीं रहा, गॉट इट। नेक्स्ट, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज रेशनल, एक्स इज रेशनल। तो क्या आएगा? देखो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। रूट 2 क्या होता है? इरेशनल। लेकिन हमें क्या बोला था? एक्स क्या होना चाहिए? रेशनल। आया क्या? इरेशनल। इट मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा इसमें, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी, गॉट इट। नेक्स्ट, जैसे एक्स इज ए पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। एक्स एक पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइंस के कॉमन है। ये 2 पैरेलल लाइंस, क्या इसमें कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा फिर? एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट हमें बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट इन फाइनाइट। ये गिवन है हमें, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5। क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? देखो नेचुरल नंबर 5 से कम, 1 2 3 4, तो मैं काउंट कर सकता हूँ, तो ये कौन सा बन गया? फाइनाइट, गॉट इट। नेक्स्ट, जैसे दिया एक्स नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 200 से बड़ा, 200 से बड़े तो काफ़ी हो सकते हैं, 201 202, तो इस टाइप से ये चलते जाएगा, तो ये कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट, गॉट इट। तो आपको इतना करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट हैं उसे कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 4। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या हो गया? 4, गॉट इट। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, इक्वल सेट और इक्वल सेट कौन से होते हैं उसको लिखो। दो सेट को हम इक्वल कहेंगे
अगर उनके एलिमेंट्स सेम हो, टू सेट्स आर इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर सेम। गॉट इट? इक्वल सेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इक्वल सेट्स। दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट्स क्या हों? सेम। एलिमेंट्स क्या हों? सेम। जैसे 1 2 3, 1 3 2, एलिमेंट सेम है। चाहे कैसे भी आए, आगे पीछे कहीं भी आए, लेकिन एलिमेंट्स सेम है तो ये क्या बन जाएंगे? इक्वल सेट। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 1 3 2 इस टाइप से ही हो, 2 कितनी बार भी आ सकता है। जैसे ये है, ये भी इक्वल है। चाहे कोई एलिमेंट कितनी बार भी आए, लेकिन सेम होना चाहिए। अब ये 2 कितनी बार आ रहा है, लेकिन यहाँ एक बार है। एलिमेंट्स तो सेम है ना, 2 1 2 3, तो इट मीन्स ये क्या है? इक्वल सेट। गॉट इट? तो ये होता है इक्वल सेट। उसके बाद इक्विलेंट सेट। इक्वल सेट के बारे में पता लगा, एलिमेंट सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। फिर बात करते हैं इक्विलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट होता है जिसके कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब एलिमेंट्स क्या हो? सेम। एलिमेंट्स क्या हो? सेम। सेम भी हो और नंबर नंबर भी सेम हो, जैसे 1 2 3, एलिमेंट्स भी सेम हो। एलिमेंट्स जो मतलब कार्डिनल नंबर, उनका सेम होना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 1 3 2, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, गॉट इट? देखो सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। सबसेट्स, देखो सबसेट क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो सबसेट की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसेट, ध्यान से करना। सबसेट होता है कि ए और बी, ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स हैं, आर सेट्स, दो सेट्स हैं। तो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ आर इन बी, अगर ए के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो हम क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन होता है इस टाइप से, ये। ठीक है, तो जब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो? बी के अंदर, तो हम ए को क्या कहेंगे? बी का सबसेट। देखो ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? बी के अंदर, तो ए को हम क्या कहेंगे? बी का सबसेट। और बी को हम क्या कहेंगे? एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर इसको हम उल्टा कर दें इस टाइप से, तो बी क्या बन जाएगा? ए का सुपर सेट। देखो जिस तरफ ये बंद हो वो सबसेट, जिस तरफ ये खुला हो वो सुपर सेट। गॉट इट? जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ए में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। तो देखो ए के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? बी में, 1 2 3 1 2 3, तो ए को हम क्या कहेंगे? बी का सबसेट। समझ आ गया? अब देखो इस इक्वल में भी, अब मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर इक्वल था, इसका भी डिफरेंस समझो क्या होता है। देखो जब सबसेट के अंदर एलिमेंट्स इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम, तब हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, जब एलिमेंट्स सेम ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम ना हो, तो हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। समझ आ गई बात? क्या कि जब एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम हो, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर सेम ना हो तो हम क्या लगाएंगे? ये वाला साइन, इक्वल साइन नहीं लगेगा। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। क्या होता है प्रॉपर सेट? ये लिख लो आके, देखो प्रॉपर सेट। तो देखो जब इक्वल का साइन लगे तो सबसेट, और जब इक्वल का साइन ना लगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ आ गई बात? मतलब अभी मैंने बताया, जैसे ए हमने एक सेट लिया 1 2, और बी हमने एक सेट लिया 1 2 3,
तो ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में। तो ए क्या बन जाएगा? सबसेट। लेकिन ए के 1 2 1 2, लेकिन इसमें एलिमेंट इक्वल नहीं है ना, 1 2, इसमें 1 2 3 इक्वल नहीं है। इक्वल एलिमेंट्स कौन से थे? इक्वल एलिमेंट्स वो थे जिसके अंदर हमने किया था कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। कौन कितनी बार आ रहा है इसका हमें कोई मतलब नहीं है, यही बताया था क्या होने चाहिए, सेम। जैसे 1 2 1 2 सेम तो है, लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सेट। समझ आ गई बात? उसके बाद कुछ रिजल्ट्स लिखो सबसेट के ऊपर। तो ध्यान रखना, जब एलिमेंट्स सेम हो तो इक्वल का साइन लगेगा सबसेट में, अगर सेम ना हो तो कौन सा लगेगा? प्रॉपर सेट। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे एक, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये ध्यान रखना। सेकंड, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हमने किससे डिनोट किया था? फाई से। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए सेट। एम्प्टी सेट भी हमेशा एक सेट का क्या होता है? सबसेट। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमें पूछे, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। n किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, एलिमेंट्स इन सेट। तो जब हमें ये पूछे, हमें मान लो हमें कोई सेट दे दिया ए, और ये बोलता है बताओ इसके कितने सबसेट होंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है? 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 4। गॉट इट? अगर हमें बोले कि वो सबसेट लिखो कितने होंगे, तो हम कैसे लिखेंगे वो सबसेट, कैसे राइट करेंगे ये देख लो। वो सबसेट हम राइट करेंगे, देखो, जब 1, जैसे ये 1, तो अलग अलग करके 1, फिर 2, 2 हो गए। 2 मैंने बताए थे कि फाई सभी का होता है और एक बुक सेट खुद भी होता है, तो ये 4। कोट इट, इसे क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर हमें बोल दे कि सबसेट्स लिखो, तो इस टाइप से लिखेंगे। कोट इट, और देखो एग्जांपल्स, जैसे तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n, जैसे हमें दे दिया a इज इक्वल टू 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ लिया, कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें? 2 की पावर 3, 8 होंगे। अब 8 लिखेंगे कैसे? 2 तो फिक्स होते हैं, देखो 2 तो फिक्स होंगे, क्या? एक तो वो खुद और एक फाई, ये तो फिक्स है। मैंने बोला फाई के बाहर ब्रैकेट नहीं लगानी, फाई होता ही है। 2 हो गए, बाकी अलग अलग करके, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, इस टाइप से। तो टोटल कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। गॉट इट? इस टाइप से। उसके बाद बात आती है, देखो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ध्यान से समझना, पावर सेट इसे हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सबसेट, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है? कैसे बताता हूँ, सेट ऑफ सबसेट्स क्या हो जाता है? पावर सेट। सेट्स का जो सबसेट का एक सेट हम बना दें, तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट। कोट इट, कैसे? ये अब तक क्या था? सबसेट था, ठीक है, लेकिन इसे सेट बना, अगर मुझे किसी को एलिमेंट को या किसी को सेट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो अब देखो ये सबसेट थे, ठीक है, अब इनके अगर मैं बाहर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, अभी तक हमने इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगाई, ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट। तो अगर मैं इसके बाहर इस टाइप से ब्रैकेट लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? एक पावर सेट। कोट इट, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स क्या होता है? पावर सेट। इसे कैसे डिनोट करते हैं? इस टाइप से। कोई भी सेट का पावर सेट क्या होगा? ये। तो ध्यान रखना, सबसेट लिखने हो तो एलिमेंट्स को क्या लिख देंगे?
अलग अलग करके सेट में, और एक पूरे को ही सेट में, उन सब सेट्स को एक सेट में लिखना क्या बन जाएगा? पावर सेट। कोट इट, क्वेश्चंस देखो। तो ध्यान रखना ये, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इधर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स तो आप कर लोगे, फॉल्स हो जाएगा। ए सबसेट तो है बी का, लेकिन क्या बी ए का सबसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ए का क्या है, बी इज सुपर सेट। मैंने बोला था जिस साइड ये खुला हो वो सुपर सेट और जिस साइड बंद हो वो सबसेट। गॉट इट? तो इस टाइप से आपको करना है। इसने ये बोला बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसे एक एग्जाम्पल और, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। वो कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, ये फॉल्स होता है। एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट जो होता है वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। क्या होता है? फाइनाइट। ध्यान रखना इस चीज का कि इनफाइनाइट सेट का अगर मैं सबसेट बनाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? फाइनाइट, ठीक है? फिर वो कह रहा है ए बी ए बी ए बी इस टाइप से, क्या ये इनफाइनाइट सेट है? अब आप कहोगे ये चल रहा है तो इनफाइनाइट होगा। देखो इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है जिसमें एलिमेंट्स चेंज होते रहे, जैसे 1 2 3, इस चीज़ को ध्यान से समझना। इस टाइप से चेंज हो रहे हैं तो ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसमें चेंज नहीं है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हर बार यही एलिमेंट्स आएंगे, तो ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट होगा। मैंने बोला था कितनी बार भी लिखा जाए चाहे कोट इट। तो इनफाइनाइट जब चेंज होता जाएगा, फाइनाइट वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ये कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसे बोल रहे हैं 1 belong to 1 2 3, ट्रू फॉल्स। अब देखो इसमें भी कुछ अच्छे ढंग से करना। 1 belong to 1 2 3, सेकेंड पार्ट में ए सबसेट ऑफ, ये सेकेंड पार्ट है बी सी ए, ध्यान से समझना इसको। ए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? ए इज सबसेट ऑफ बिलोंग टू ए बी सी, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट में बोला 1 belong to this, बिल्कुल सही है। 1 क्या है? देखो एलिमेंट और सेट के बीच में डिफरेंस पता लगा, जब ब्रैकेट लगी होगी तो वो सेट, जब ब्रैकेट ना लगी हो तो वो एलिमेंट। अब इसमें ये क्या है? एलिमेंट, क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट है तो क्या बन जाएगा? एक सेट, ठीक है? तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, ध्यान रखना। एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है, बिलोंग, ठीक है? और जो सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता है, मतलब उसके बीच में, सेट के बीच में हमेशा किसका साइन आता है? सबसेट का, ध्यान रखना। जैसे अब 1 एलिमेंट है तो बिलोंग कर रहा है इसको, बिल्कुल सही है, ट्रू है। लेकिन यहाँ देखो इसके बाहर ब्रैकेट नहीं है तो ये क्या बन गया? एलिमेंट, एलिमेंट बन गया। लेकिन ये किसका साइन है? सबसेट का। किसका साइन है? सबसेट का। हमें क्या है? ये एलिमेंट, एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ गए? एलिमेंट बिलोंग करता है तो ये यहाँ पर ये आना चाहिए, तभी ये सही होगा। कोट इट? तो एलिमेंट बिलोंग करता है और सबसेट क्या होता है? सबसेट, ठीक है? ये एलिमेंट था क्योंकि ब्रैकेट नहीं थी तो ये इसको बिलोंग करेगा। अब जैसे ये है, ये ब्रैकेट आ गई तो ये क्या बन गया अपने पास? एक सेट। ये भी क्या बन गया? एक सेट। लेकिन अभी मैंने कहा सेट क्या होता है? हमेशा सबसेट का साइन आता है, लेकिन ये क्या है? बिलोंग। क्या सेट बिलोंग करता है? बिलोंग कौन करता है? एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, फॉल्स। समझ आ गई बात? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो ये एक रिजल्ट लिख लो। नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स का क्या होता है? सबसेट, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? इंटीजर में। इंटीजर कौन से होते हैं? जो माइनस प्लस वाले। इंटीजर किसका सबसेट होता है? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रेशनल होता है, ठीक है? ये इंटीजर होता है,
ये नेचुरल होता है। तो नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट इंटीजर रेशनल का, और रेशनल आगे किसका होता है? रियल नंबर का। किसका? रियल नंबर का। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर सेट ऑफ ऑल इंटीजर कंटेन इन रेशनल नंबर, बिल्कुल सही। कंटेन का मतलब सबसेट, तो इंटीजर्स इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से आप कर लोगे, द सेट ऑफ ऑल क्रॉस इन कंटेन इन सेट ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स में क्रॉस तो आते हैं क्योंकि क्रॉस भी उड़ते हैं और बर्ड्स भी उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स कंटेन इन स्केयर। क्या रेक्टेंगल स्केयर में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि स्केयर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल। कॉट इट? रेक्टेंगल की साइड इक्वल नहीं होती। तो ये इस टाइप से आप कर लोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये कर लेंगे आप। करेक्ट के लिए ए इज बिलोंग टू ए सबसेट ऑफ, तो एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, फर्स्ट गलत हो गया। फिर ए इज बिलोंग टू, ये भी नहीं हो सकता। फिर ए बिलोंग टू दिस, ये देखो, ये बोल रहा है ए बिलोंग टू, ए बिलोंग टू ए बी। देखो क्या ये सही है? ये एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन क्या ए इसके अंदर है? कहीं भी नहीं है। ये है, ये तो एक सेट है ना, सेट के रूप में है, ठीक है। अगर यही चीज इस टाइप से दी होती तो हम कह सकते थे ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, गलत है। ये कब बिलोंग करता? अगर मान लो इसके बाहर ब्रैकेट लग जाती, ध्यान से समझना इसको, अब ये बिलोंग करता। अब कहोगे नहीं सर ये तो सेट है, सेट है तो यहाँ क्या आना चाहिए? सबसेट का साइन। लेकिन अंदर एलिमेंट देखो, अंदर एलिमेंट कैसा है? वो भी तो ब्रैकेट के सेट के अंदर, तो ये पूरे का पूरा सेट तो बिलोंग ही करेगा इसको। समझ आ गया? अगर यही चीज मैं ऐसे लिखता ना, तब बीच में सबसेट का साइन आता। कोट इट? तो ये ध्यान रखना, जब ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये एलिमेंट बन गया। तो इस टाइप का एलिमेंट यहाँ पर है तो क्या दिक्कत है? सही आंसर। समझ गए? ये ध्यान रखना। तो ये कर लोगे, तो ये एक्सरसाइज ट्राई करके देखना। आगे मैं 9th करवाता हूँ। 9th में बोला है राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच। सबसेट्स राइट करने हैं हमें, तो कैसे राइट करेंगे? देखो जैसे ए है, तो सबसेट्स मैंने बताए थे, क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n, ठीक है। तो ए कितना? एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2, तो दो सबसेट होंगे क्या? एक तो ये खुद और एक 5, ठीक है। इस टाइप से 0 1 0 1, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने एलिमेंट्स है? 2 की पावर 2 4, 4। कौन कौन से? एक तो 5, एक ये खुद और एक इनको अलग अलग करके, ठीक है। तो यह कर लोगे इस टाइप से। उसके बाद देखो, राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट्स। देखो प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये था नंबर ऑफ सबसेट्स क्या? 2 के पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर पूछे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 के पावर n, है ना। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ ले, प्रॉपर सबसेट्स, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर n-1। गॉट इट? तो ये कर लोगे आगे, यहाँ तक इसको कंप्लीट करो, बाकी कल करेंगे। कल हम करेंगे वैन एन डायग्राम्स नेक्स्ट लेक्चर में। गॉट इट? तो इतना करो आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।